नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो इस तरह के हम लोग 55 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 56वां टेस्ट है और इस तरह के जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वो आपके सभी एक ही जगह डले रहते हैं, वो है आपकी अपनी जनरल स्टडीज टेस्ट के नाम से प्ले लिस्ट सूची। ठीक है, तो चलिए 56वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, समाचारों में देखा गया अनिवार्य प्रथाओं का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा, नहीं, समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से बाहर करना, नहीं, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के मामले से, सबरीमाला में मंदिर में प्रवेश के मामले से है आपका अनिवार्य प्रथाओं का सिद्धांत संबंधित है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामले में केरल के सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में महिलाओं को पूजा करने का अधिकार है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए अनिवार्य प्रथाओं के सिद्धांत की प्रासंगिकता पर परस्पर विरोधी तर्क देखे गए। अनिवार्य प्रथाओं का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित एक कसौटी है जो धर्म के लिए आवश्यक और अभिन्न धार्मिक प्रथाओं की रक्षा से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने मासिक धर्म की उम्र, यानी कि महिलाओं की जो 10 से 50 वर्ष की उम्र होती है, कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से संबंधित प्रतिबंधित करने वाले नियम की वैधता को चुनौती दी और तर्क दिया कि यह धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि निषेध का नियम मासिक धर्म की महिलाओं को रोकना निरर्थक और असंवैधानिक है, क्योंकि इस तरह की प्रथाएं न केवल एक महिला की बुनियादी गरिमा के लिए अपमानजनक है, बल्कि संविधान के तहत जो आपके अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के अंतर्गत दिए गए गारंटी के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं। तो याद रखना है, पूछ सकता है कि कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित हैं, 14, 15, 21 और 25। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैवाहिक बलात्कार, नहीं, आपराधिक मानहानि, अभिचार, ये सही है। क्या इसमें सी होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका सी, जो आपकी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 विवाह विवाहेतर संबंधों से संबंधित है, जो अभी व्यभिचार को अपराध का दर्जा देती है। आईपीसी की धारा 497 के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ यौनाचार करता है तो वह परस्त्रीगमन या व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा और उस महिला का पति पुरुष के खिलाफ व्यभिचार का केस दर्ज करा सकता है। इसमें उस विवाहित महिला के खिलाफ केस दर्ज कराने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका सी। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अब केवल एक व्यक्ति को ही भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, सही, यह संशोधन राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है, ये भी आपका सही है। अधिनियम के तहत मामलों की जांच पुलिस निरीक्षक रैंक या उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके तीनों कथन सही हैं। क्या है? तीनों कथन सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें।
इस संशोधन ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के पद, वेतन और कार्यालय निर्धारित करने का अधिकार दिया है। सही है, यही आपका विवाद का कारण बना हुआ था। विपक्ष इसी को लेकर हंगामा कर रहे हुए थे। ठीक है, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के कार्यालय को भी आरटीआई अधिनियम के दायरे में ला दिया है। ये आपका गलत है। क्यों गलत है? केंद्रीय सूचना अधिकारी भारत का उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले में 2019 में भारत के उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का कार्यालय सूचना के अधिकार के दायरे में आएगा, क्योंकि आरटीआई अधिनियम के तहत सीजेआई एक लोक प्राधिकारी है। सीजेआई को आरटीआई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से नहीं, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय द्वारा आरटीआई के तहत लाया गया। याद रखिए, किसी संशोधन के तहत इसे मुख्य न्यायाधीश को आरटीआई सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत नहीं लाया गया, इसे एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत आरटीआई के तहत लाया गया है। ये निर्णय है आपका केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल। ये आपका 2019 में मामला हुआ था, तो इसमें आपका केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन है आपका पांचवा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। NIA का गठन 2008 में एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था। गलत है। यह भारत के किसी भी हिस्से में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान ले सकती है। सही है, इसे साइबर अपराध, मानव तस्करी और जाली मुद्रा को नियंत्रित करने का भी आदेश दिया गया है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर पांच में आपके दो और तीन कथन सही हैं और एक का आपका गलत है। जो आपकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत में आतंक का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक सरकारी एजेंसी है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के द्वारा दिया गया था, ना कि किसी कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें क्या आपका होगा पांच में सी, क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा। छठवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। इसमें से ये सूचकांक है आपके, ये संस्थाएं जो जारी करती हैं। ठीक है, तो इनमें सही सम्मिलित सूचकांक देखना है हमें। लोकतंत्र सूचकांक ये आपका जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ये आपका जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। सही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये यूनिसेफ जारी नहीं करता है। क्या करता है? जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक होता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय उपकरण है जिसे वैश्विक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख की स्थिति को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और जर्मन स्थित वेल्थुंगर हिल्फे तथा आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, याद रखिए 2019 में जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक आया था, इसमें भारत को 102वां स्थान मिला हुआ था। ठीक है, और जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसमें 52वां, 2019 वाले में 52 स्थान मिला हुआ था। और लोकतंत्र में सूचकांक में 2019 की बात कर रहा हूँ, इसमें 51वां स्थान मिला हुआ था भारत को। तो इसमें आपका एक और दो सही था। बात करते हैं तीसरे, सॉरी क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमें। इसमें सही सम्मिलित देखना है। ये आपकी रिपोर्ट हो गई, ये जारी करता होगा जो संस्था जारी करता है।
वैश्विक पर्यावरण आउटपुट रिपोर्ट, ये आपका जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बिल्कुल सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये आपका विश्व आर्थिक मंच करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपके तीनों सही सम्मिलित हैं। क्या है? तीनों सही सम्मिलित हैं, तो इसमें आपका होगा डी। क्वेश्चन है हमारा 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण, लोक नियोजन में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण। भारत में किन्हीं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उपयुक्त श्रेणियों में कौन से आरक्षण प्रदान किए जाते हैं? तो शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण, लोक नियोजन में आरक्षण, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें होगा 1 और 2। जो आपका शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था आपके अनुच्छेद 15(5) में की गई है, ठीक है। और सार्वजनिक नियुक्तियों में या लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 16(4) में की गई है। क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित पर विचार करना है, दिल्ली संवाद, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, पूर्व की ओर देखो नीति। उपर्युक्त में से कौन से भारत आसियान संबंधों में से संबंधित हैं? तो आपका दिल्ली संवाद भी है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, लेकिन क्षेत्रीय आतंक रोधी संरचना नहीं है, और पूर्व की ओर देखो नीति है, तो इसमें होगा आपका 1, 2, 4। क्या होगा? 1, 2, 4। जो क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना है जिसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, SCO का एक स्थायी अंग है, जो 3 प्रमुख चुनौतियों आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के विरोध सदस्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो इसमें आपका डी था। क्वेश्चन है आपका 10। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एनके सिंह समिति की से स्थापना, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए की गई थी, सही है। इसके मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है, सही है। इसका उद्देश्य प्रभाव राजस्व घाटे को GDP के 3% तक लाना है, यह आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 1, 2 कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। एनके सिंह वित्त मंत्रालय के तहत राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा हेतु गठित समिति के अध्यक्ष थे आपके एनके सिंह, ठीक है, याद रखिए एनके सिंह। और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का 3% होना चाहिए, जबकि प्रभावी राजस्व घाटे को कम करके लक्ष्य GDP का 0% लाना है, कितना? 0%, ना कि 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 1 और 2 सही था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 11। सिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या करना है? विचार करना है, यह संकटग्रस्त वनस्पतियों और वन्य जीवों की रक्षा हेतु एक बहुपक्षीय संधि है, सही है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रशासित है, सही है। इसे जेनेवा अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 11 में 1 और 2 कथन सही है, लेकिन तीसरा गलत है। सिटी
सिटीज, इसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिशमन को वॉशिंगटन अभिशमन भी कहा जाता है। क्या? वॉशिंगटन अभिशमन भी कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसमें आपका एक और दो सही था। क्वेश्चन है हमारा 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, उपयुक्त में से कौन प्रोटोकॉल जैव विविधता पर अभी समय से संबंधित है? तो इसमें है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल, यानी कि 1 और 3 सही है। क्या है? 1 3 सही है इसमें। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में हुआ था। कब? 1987 में। ओजोन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित है ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिससे ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से कम करने हेतु अपनाया गया है। और जो आपका नगोया प्रोटोकॉल है, ये 2010 में हुआ था। नगोवा प्रोटोकॉल अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंचने और उनके उपयोग से सृजित लाभों के निष्पक्ष और न्यायोचित साझेकरण से संबंधित है। और जैव सुरक्षा पर आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था, ये आपका 1993 में हुआ था। ठीक है, कार्टाजेना आपका 1993 में, नगोया आपका 2010 में, और मॉन्ट्रियल आपका 1987 में। इसमें क्या था? 1 और 3 सही था। क्वेश्चन है हमारा 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार करना है। कॉमकासा INF संधि, न्यू स्टार्ट संधि, उपयुक्त संधि या समझौते निम्नलिखित में से किस देश संगठन से है? कॉमकासा INF संधि, न्यू स्टार्ट संधि, ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित। ए ऑप्शन सही होगा 13 में। 13 में क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। भारत और अमेरिका ने संचार सक्षमता और सुरक्षा समझौते कॉमकासा पर हस्ताक्षर किए। कॉमकासा भारत को उन्नत रक्षा प्रणालियों तक भारत की सुविधा प्रदान करेगा तथा भारत को मौजूदा अमेरिकी मूल के प्लेटफार्मों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने वर्ष 1987 में अपने सभी 500 से 5,500 किलोमीटर की रेंज वाली पारंपरिक और नाभिकीय भू आधारित बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों की स्थायी रूप से परित्याग करने हेतु इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ द्वारा वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो तैनात हथियारों की संख्या को सीमित करने के साथ ही शीत युद्धकालीन वॉरहेड से छुटकारा पाने पर केंद्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 14। क्या है क्वेश्चन? है 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये आपके अनुसंधान या मिशन हो गए, संबंधित ग्रह हो गए। डिकिस्ट सूर्य से संबंधित है, सही है। बेपी कोलंबो बुद्ध से संबंधित है। पंचमेशन शुक्र से संबंधित नहीं है। ओ ओसीरिस रिक्स ये चंद्रमा से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका 1 और 2 सही है और तीसरा चौथा गलत है। जो आपका पंचमिशन है ये नासा का पंचमिशन है। मिशन सूर्य के बाह्य कोरोना से सौर हवा में कणों के स्थानांतरण अध्ययन पर केंद्रित है, जो अंतर्ग्रह स्थान को भरता है। और जो आपका ओसीरिस है रेक्स, नासा का ओसीरिस रेक्स मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह के बिन्नु का अध्ययन करना है, वहां से नमूना एकत्रित करना है और वर्ष 2000
23 तक इसे पृथ्वी पर वापस लाना है। ठीक है, तो इसमें था आपका 1 और 2। क्वेश्चन है हमारा 15। भारत में आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्थिक पिछड़ापन आरक्षण का आधार नहीं हो सकता, गलत है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का दावा करना एक मौलिक अधिकार है, ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके दोनों कथन गलत है। सही क्या है सुनिए। संविधान संशोधन अधिनियम 103 बाब का संविधान संशोधन हुआ है 2019 में। इसमें अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के माध्यम से आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत हुई है। इसने संविधान में अनुच्छेद 15 6 और अनुच्छेद 16 6 को अंतर स्थापित किया है ताकि अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था मिल सके। मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्यवाद 2020 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान में अनुमत आरक्षण के प्रावधान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय में कहा गया है कि अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) के तहत प्रावधान है ना तो आरक्षण के मौलिक अधिकार हैं ना ही इसे प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। इन अनुच्छेदों के तहत आरक्षण तभी प्रदान किया जाएगा जब राज्य की राय में राज्य द्वारा प्रदत्त सेवाओं में एक विशेष वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों कथन गलत थे, यानी कि डी ऑप्शन था, ना तो एक सही था और ना ही दो। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन। क्या है 16वां क्वेश्चन? एशिया आश्वासन पहल अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भूमिका को बढ़ाने की बात करता है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका केवल एक कथन सही है, ए। ठीक है, क्या है? ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रामसर अभिसमय के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आद्य भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है, गलत है। क्या है? गलत है। आद्य भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर अभिसमय की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे, ये आपका सही है। आद्य भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आदभूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके 2 और 3 सही हैं, लेकिन एक कथन गलत है। रामसर अभिसमय में अभी समय के तहत अनुबंधित दलों के लिए अपने क्षेत्र की सभी आदभूमियों की सुरक्षा और संरक्षण की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका बी होगा, 2 और 3। कुछ भी करिए, कोरोना वायरस के समय ये भी अच्छी मदद कर रहे हैं सब्जी वाले। पहले कोई दिखता नहीं था बाहर, लेकिन अब देखिए गली से हर समय गुजरते रहते हैं, बहुत मदद। चलिए मदद करते रहिए एक दूसरे की, कुछ टाइम का है अपना, बुरा वक्त है, इस समय देखते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 18। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है? इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना, सही है। यह विशेष रूप से दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों में केंद्रित होता है। इसका सचिवालय इन क्षेत्रों के को बड़े हिस्से का नेतन सुलभ कराता है, गलत है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में
एक तीन आपका सही है, बाकी दूसरा गलत है। वर्ष 1994 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देशों में, विशेषकर अफ्रीका में, मरुस्थलीकरण से निपटना और गंभीर सूखे के प्रभाव का शमन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका सी था, एक और तीन सही था। क्वेश्चन हमारा 19 क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सॉरी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, ये आपका एक हो गया, ये दो है, ये आपका तीन कथन है। ठीक है, ये आपकी लाइन है मैन। UN RED+ कार्यक्रम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन परिस्थिति की समुद्धानशीलता में, गरीबी कम करने में। तीनों सही हैं, याद रखना है, ये एक आपका पॉइंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, जो स्टेटमेंट है उसका ये मेन हिस्सा है। तो इसमें आपके तीनों सही हैं। वर्ष 2010 में COP16 के कानपुर समझौते के अनुसार RED और RED+ में परिवर्तित हो गया है, जो वनों की कटाई, वन के क्षरण के कारण उत्सर्जन में कमी लाने, संरक्षण प्रोत्साहन, वनों के सतत प्रबंधन तथा वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि करने का प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। जो RED+ है निम्नलिखित में योगदान करता है, जलवायु परिवर्तन शमन और गरीबी उन्मूलन, जैव विविधता का संरक्षण और महत्वपूर्ण परितंत्र सेवाओं को बनाए रखना, वन पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलापन, आजीविका संवर्धन और खाद्य सुरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका डी था, तीनों। क्वेश्चन हमारा 20, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला एजेंडा 21, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, सही है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए संधारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसे प्रस्तुत किया गया, ये आपका गलत है, इसमें केवल आपका एक सही है। 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 178 से भी ज्यादा सरकारों द्वारा वनों के सतत प्रबंधन के लिए सिद्धांतों के विवरण तथा पर्यावरण और विकास का पर जीओ घोषणा पत्र एजेंडा 21 को अपनाया गया था। एजेंडा 21 में गरीबी, भुखमरी, संसाधनों के अनुचित दोहन, पारितंत्र अवनमन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रारूप प्रदान किया जाता है, जिसमें धारणीय विकास के लिए एक कार्य योजना का ब्यौरा और कार्रवाइयों के लिए लक्ष्यों का उल्लेख है, ताकि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को संयोजित किया जा सकता है सके। ठीक है, तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर्स। इसी तरह से और भी हम लोग मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे। ठीक है, आगे।